चलिए ये कायदे में देखा जाए वैसे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहेगा। इसके तीन आंसर हैं, तीन सॉल्यूशन है, तीनों तरीके से बताऊंगा। एक सॉल्यूशन एक लाइन में है, फिर दूसरा तीन चार लाइन में, फिर तीसरा एक पेज में है। बट इस क्वेश्चन को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, पर उससे पहले एक दो बातें आपको जाननी चाहिए अगर नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर ये है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि यहां से बी पॉइंट से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करो, ये रहा 90, और यहां से ड्रॉ करो ये 90, और यहां से ड्रॉ करो ये 90। आई बात समझ में? तो ये जो पॉइंट होता है, यहां से तीनों लाइन होती हुई जाती हैं, इस पॉइंट का नाम होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड। और मैंने आपको हर इस चैप्टर के हर वीडियो में लिंक सेंड किया कि सेंट्रोइड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, नॉलेज के लिए आना चाहिए। तो अगर किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल, और जान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वही मीडियन होता है, मतलब ये मिड पॉइंट भी होगा, अगर ये तो बी डी बराबर सी डी भी होगा, ये मिड पॉइंट भी होगा। तो मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों एक ही बात होती है, किसमें? इक्विलेटर। और वही आइसोसेलीज में होता है, लेकिन स्केलर में अलग होता है। तो सेंट्रोइड समझ गए क्या होता है, किसी भी इक्विलेटर ट्रायंगल में अगर मैंने मीडियन ड्रॉ करूं या बोले एल्टीट्यूड ड्रॉ करूं, तो वो तीनों एक ही पॉइंट पे कट करेंगे, उस पॉइंट का नाम क्या होता है? सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। चमका? पक्की बात है? चलिए अच्छा, अब देखते हैं। किसी भी, फिर से एक बार, किसी भी, ऐसा नहीं इक्विलेटरल में, किसी भी ट्रायंगल में अगर हम मीडियन को ज्वाइन करते हैं, वो तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे कट करेंगे उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। पक्की बात है ना? एक तो ये बात आनी चाहिए। अब देखो दूसरी बात क्या आनी चाहिए, दूसरी बात, अभी मैंने क्वेश्चन के बारे में मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, बेसिक आपको आना चाहिए कि अगर ये एक सर्कल है, और सर्कल के अंदर अगर मैंने कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, क्लियर है? मैंने क्या किया, अब इस सर्कल का सेंटर होगा कहीं ना कहीं, और मैंने इस ट्रायंगल के तीनों मीडियन ड्रॉ कर दिए, तो वे तीनों इस पॉइंट से जाएंगे। तो ये जो पॉइंट है ये इस ट्रायंगल के लिए क्या हो गया? सेंट्रोइड। और इस सर्कल का एक सेंटर भी होगा, तो याद रखना जो सर्कल का जो सेंटर होता है और ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होता है वो सेम होते हैं। वो क्या आएंगे? सेम। तभी आएंगे जब सर्कल के अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल बना हो। केवल इक्विलैटरल की बात कर रहा हूं मैं, आइसोसेलीज की अभी नहीं कर रहा हूं, हो सकता है आइसोसेलीज में हो बट उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं। और क्या होता है, ये रेडियस हो गई, तो मान लो ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है, तो एक और आता है ये ओ ए और ओ बी का जो हम लोग डिवाइड करते हैं वो हमेशा 2:1 बनाता है। वो क्या था? हमेशा 2:1 बनाता है। क्लियर है? अगर एक नंबर में, एक लाइन में इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो मान लो इसकी रेडियस आर है, साइड ये, तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, आर इक्वल्स टू ए अपॉन रूट थ्री। क्लियर है? आर इक्वल्स टू ए अपॉन रूट थ्री। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर सर्कल है तो ये सेंटर हो गया, ये इसकी रेडियस होगी, ये ए होगी, तो इनमें रिलेशन होता है आर इक्वल्स टू ए अपॉन टू रूट थ्री। इस रिलेशन से एक लाइन में आंसर आ जाएगा। बट आपको ये मैं बताऊंगा ना ये सब चीजें कहां से आई ना, ये पता होना चाहिए। बट फिलहाल के लिए 9th क्लास के आप याद रखो क्या क्या बात है, सेंट्रोइड और जो सेंटर होता है वो एक ही पॉइंट पे होते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसको सेंटर बोलेंगे या सर्कम सेंटर बोलेंगे? तो हमने सर्कम सेंटर, हमको पता है तीन जो नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं उनको मिला के जो सर्कल बनता है उसको सर्कम सेंटर और इसको सर्कम रेडियस। ठीक है, क्लियर? ये छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए। क्लियर है? अब भाई मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं और तीनों तरीके से आपको क्वेश्चन बताता हूं। देखिए कितना सिंपल हो जाएगा ये। अब देखो क्या कह रहे हैं, अ सर्कुलर पार्क ऑफ अ रेडियस 20 मीटर। एक सर्कुलर पार्क है भैया, ये रहा, इसकी रेडियस कितनी है? 20 मीटर। ठीक है जी। अब अंकुर, सैयद, डेविड आर सिटिंग ऑन द इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पर बैठे। मैंने कहा मान लो भैया अंकुर यहां बैठा है, सैयद यहां बैठा है और डेविड यहां बैठा, इनका डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को मिलाता हूं तो क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं हो गया? यस और नो? पक्की बात है? ये इक्विलैटरल हो गया। तो ये ए, ये बी और ये सी,
आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा ना, क्योंकि ये सब इक्वल डिस्टेंस पर है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। मान लो इसकी ये साइड ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। अब हमसे ए पूछी गई, बस ये कह रहे हैं आर सिटिंग ऑन द इक्वल डिस्टेंस, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, मतलब ए की वैल्यू पूछी गई कि इनके बीच में कितना डिस्टेंस है। ये अंकुर बैठा, ये सईद बैठा, ये डेविड बैठा। चलिए अब कायदे हमको ए फाइंड करना है, तो देखो कितना सिंपल है, रेडियस इसकी कितनी है, तो एक रिलेशन होता है आर इक्वल्स टू ए अपॉन रूट थ्री। रेडियस कितनी है 20, ए पता करनी। अब देख लो पीछे आंसर 20 रूट थ्री आ रहा होगा, यस और नो? 20 रूट थ्री ही आंसर आ रहा है इसका। बट बोर्ड ये ट्रिक इसके लिए बता रहे, कभी कंपटीशन एग्जाम में बैठे या कभी ऑब्जेक्टिव में आ गया तो डायरेक्ट ये आपको याद रखना है। क्लियर है? दूसरा तरीका, तीनों बताऊंगा मैं आपको। ये सेंट्रॉइड भी है और ये क्या है, सरकम सेंटर। तो मैंने अगर इससे इसको मिलाया, ये ओ पॉइंट है, अब पक्का पता है ये 90 का होता है, अभी मैंने बताया। तो मान लो ये डी पॉइंट है तो इतना डिस्टेंस ए बाई टू होगा, इतना डिस्टेंस भी ए बाई टू होगा, यस और नो? क्यों, हाफ कर देता है वो। अच्छा जी, और आपको ये पता है, यहां पे लिख देना, वी नो दैट ए ओ अपॉन ओ डी जो होता है वो क्या होता है, 2:1 होता है। ठीक है, अच्छा ये भी बताएंगे ये सब चीजें। ठीक है, ओ ए कितना है, रेडियस है, ओ ए तो 20 होगा, रेडियस 20 है ना, क्यों ओ ए क्या होगा, रेडियस ही तो यार। और ओ डी पता नहीं, 2/1 10, तो ओ डी कितना आ गया 10 मीटर। ओ डी कितना हो गया, अच्छा ओ बी कितना होगा, ओ बी यार ब्रांडेड आदमी हो तुम लोग, गले हो गए, ओ बी 20 नहीं होगा यार, रेडियस है तो, ओ बी रेडियस नहीं है, और रेडियस कितनी की बने इसमें, ऐसे सोचते जान कितना भयंकर लॉजिक वाला क्वेश्चन बोले यार। चलिए अब एक ट्रायंगल लेते हैं ओबीडी, ये एंगल 90 है तो पक्की बात है पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ओबी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ओडी का होल स्क्वायर प्लस बीडी का होल स्क्वायर। तो ओबी कितना 20 का स्क्वायर और ओडी कितना 10 प्लस बीडी कितना ए बाई टू का होल स्क्वायर। तो ये 400 हो गया, ये 100 हो गया और ये ए स्क्वायर बाई 4 हो गया, इससे ये माइनस हो गया 300 हो गया, यस और नो? इसका मल्टीप्लाई हो गया 1200 और ए स्क्वायर, और स्क्वायर हटता है इस पर क्या आएगा अंडर रूट। तो ये किसका 10 हो गया, अब इसका निकालो 10 और 12 का क्या होगा 2√3, अंडर रूट तो निकालना आता है, तो आ गया 20√3, ए कितना आ गया 20√3 मीटर। अरे अंडर रूट निकालना नहीं आया इसका, नहीं निकालना है तो देख लो यार, अगर नहीं आए तो 1200 है, क्या 1200 ऐसे लिख सकते हैं 12 × 100, 100 का तो 10 हो गया तो बाहर आ गया ये 12। अब 12 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, इसका पेयर बन गया, ये भी बाहर आ गया 2, तो 20 बच हो गया, अंदर कितना बचा रूट। ऐसे बोर्ड में करके आ सकते हैं, ऐसे बोर्ड में करके आ सकते हैं। क्लियर है? तीसरा तरीका और लेंदी आपको लगेगा, बट मेरा जो टारगेट है मैं तीनों तरीके से आपको बताऊंगा। बस ये ध्यान रखना कि सेंट्रॉइड होता है, सरकम सेंटर होता है, वो एक ही पर आते हैं। क्लियर है? इसको लिख लो, तीसरा तरीका बताता हूँ अभी। अब ये जो तरीका, इसमें आपको कुछ भी नहीं पता कि टू इनका रेशियो 2/1 होता, कुछ नहीं पता। अब देख एकदम देसी तरीके से करेंगे, साइड इसकी ये ए है मान लो, तो ये भी ए होगी, पक्की बात है ये ए बाई टू होगी, फिर ये ए बाई टू होगी, क्योंकि ये भैया मीडियन होता है ट्रायंगल में, इक्विलेटरल में। चलिए अब एक काम करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं एबीडी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं एबीडी इस पूरे में। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज ए स्क्वायर इक्वल्स टू एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर, यस और नो? तो ये ए स्क्वायर है, बीडी के स्क्वायर को क्या ए बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बीडी को लिख सकते हैं, ये इस तरह माइनस में आएगा, ए स्क्वायर अपॉन 4 और ये ए डी 4 कैसे हो गया 2 का स्क्वायर 4। एलसीएम कितना आया 4, तो 4a² - a² तो 3a² / 4। और अब देखो स्क्वायर है, स्क्वायर हटता है तो इस तरफ क्या आता है अंडर रूट और प्लस माइनस, तो प्लस माइनस तो आता है लेकिन ए डी तो लेंथ है तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगी। अब देखो ए स्क्वायर रूट से बाहर ए आ जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा और ये और 3 का तो भैया रूट के अंदर ही रहेगा, तो क्या हम इसको √3 लिख सकते हैं, तो मतलब हमारे पास AD कितना आ गया √3 a/2 मीटर। क्लियर है? पक्की बात है? अच्छा जी,
अरे कोई डाउट है, ये मैंने कैसे लिखा, ए स्क्वायर का ए, फोर का टू और थ्री तो रूट के अंदर ही रहेगा, सही कर दिया। अच्छा अगर अब मैं आपसे पूछूं ओडी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए डी माइनस ए ओ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ए डी कितना भैया, ये रहा हमारे पास रूट थ्री ए अपॉन टू माइनस, और ए ओ कितना होगा 20, वो रेडियस है तो कितना आ गया हमारे पास 20। तो ओ डी हमारे पास ये निकल के पक्की बात है। अब यार देखो इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ बी डी में 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ओ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो ओ बी कितना 20, रेडियस है 20 का स्क्वायर। ओ डी कितना भैया, ये रहा रूट थ्री ए अपॉन टू माइनस 20 का होल, इसका बी डी कितना है। अब केवल यहां से आपको ए निकालना है, कैलकुलेशन है केवल। चलो मैं निकाल के दिखाऊंगा, पूरा लेंदी लगेगा जरूर आपको, बट ये इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है, केवल कैलकुलेशन है यार। तो 20 का ये कितना हो गया 400। अब चलो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करो रूट थ्री का थ्री, ए का ए स्क्वायर अपॉन फोर प्लस 20 का स्क्वायर 400 माइनस टू ए बी। आई बात समझ में, इस पूरे को ए लो, इस पूरे को बी लो, समझ अपने आपको समझाने के लिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और उधर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन फोर, 400 से 400 सही हो गया, क्लियर है। इस 2 से ये 2 हमारा चला गया। चलिए अब देखो क्या बचा, इधर तो 0 ही बचा, तो ये 3 ए स्क्वायर अपॉन 4 और ये माइनस का रूट 20 रूट 3 ए, क्यों 20 का मल्टीप्लाई होगा, प्लस का ए स्क्वायर अपॉन 4, क्लियर है। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप बताइए, सर हमको ये डाउट हुआ, अभी तो कोई डाउट नहीं होगा। चलिए देखिए अब ये भी ये माइनस का, इसको इस तरफ लेके आ जाओ 20 रूट 3 ए, अब ये 3 ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4, तो 20 रूट 3 ए एलसीएम कितना है 4, तो 3 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 20 रूट 3 ए 4 ए स्क्वायर अपॉन 4, एक 4 से एक 4 कैंसिल हो गया, कितना बचा हमारे पास 20 रूट 3 ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर, चमका। अब बहुत से बच्चे करते क्या, एक ए से एक ए काट देंगे, आंसर आ गया 20 रूट 3। 99% बच्चे ऐसे ही करते, 99, बट एक गलती वो यहाँ पे कर जाते हैं, आपको जो आनी चाहिए 20 रूट 3 ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए की डिग्री 2 है, ए की मतलब मैक्सिमम पावर कितनी 2, तो आंसर भी 2 होंगे। अगर आप ए से ए काट दोगे कहोगे सर आंसर आ गया ए 20 रूट 3 मीटर, बुक में भी देखोगे तो यही आंसर आ रहा है, बस मैथमेटिकली ये रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आप पढ़ो ए की बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो ऐसे मत करके आना, ये कायदे में ऐसे होगा, ए स्क्वायर है ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ए कॉमन आ रहा है तो ए माइनस 20, तो एक बार इसको इस ए को रखोगे 0 के इक्वल 0 आ गया, एक बार जब इसको रखोगे तो कितना आ गया, 2 आंसर आ गए, और 0 तो आंसर हो ही नहीं सकता, अगर ए मतलब अगर उनके बीच की लेंथ 0 तो हो नहीं सकती ना, तो इसलिए क्या आंसर सही होगा 20 रूट 3 मीटर, चमका। ये एक ऐसा आंसर है, आपको लेंथी लग रहा होगा जरूर, ठीक है ना, कि सर ये देखो कितना लेंथ, बट ये जेन्युइन तरीका है, इसमें आपको कुछ भी हमने हिंट नहीं दी कि इसका इसका रेशियो 2:1 होता है, ये सब चीज़ें आई बात समझ में, क्लियर है ना। तो अदरवाइज आप पहला वाला छोड़ देना, पहला वाला बहुत सिंपल था, दूसरा मेथड करके आ सकते हो बोर्ड में, या ये वाला करके आपके स्कूल में, दोनों में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, क्लियर है। तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट है तो बताओ, एंजॉय के साथ पढ़ो यार आराम से, ठीक है।